मैंने जो मून की इमेज निकाली है सो इट इज़ वन ऑफ द क्लियरेस्ट पिक्चर्स ऑफ द मून. मुझे स्पेस और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो इंटरेस्ट है वो मैं जब 8 साल का था तब से था. इन 2017 आई जॉइंड ज्योतिर्विद्य परिसंस्था विच इज़ इंडियाज ओल्डेस्ट एसोसिएशन फॉर एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स. When I joined it, my interest towards astronomy blew up. I learned how to operate a telescope there, and from that, I discovered astrophotography. The fact that I could take photos of celestial objects was very exciting to me. So I set out to take some photos on my own. But there was a problem. मेरे सिटी में से जिधर से मैं इमेजेस निकलता हूँ वहाँ लाइट और स्मोक पोल्यूशन बहुत है. आई एक्सप्लोर्ड मेनी प्लेसेस अराउंड द सिटी टू ट्राई एंड फाइंड द परफेक्ट स्पॉट अवे फ्रॉम द लाइट एंड स्मोक पोल्यूशन. आई सेट अप माई कैमरा देयर. जब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट के इमेजेस निकालता हूँ नहीं तो कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को मेरे कैमरा में से खींचता हूँ सो मैं उसे पास्ट में निकालता हूँ. मैंने कोई स्टार के इमेजेस ले रहा हूँ सो विच इज़ 500 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस. सो जब वो स्टार 500 ईयर्स पहले जैसे दिख रहा था वो मैं उसे आज देख सकता हूँ. सो मैं एक तरह से टाइम में पीछे चला गया हूँ. आई कैप्चर इट इन द पास्ट. So it works like a time machine. So my telescope is a time machine for me. One night on my terrace, I was waiting for Jupiter and Saturn to come up. But I felt really sleepy and decided to take pictures of the moon and call it a night. मैं पैनोरामा निकाल रहा था कि पैनोरामा मतलब क्या कि मून क्या हो मून के अंदर इतना मैग्नीफाई किया है कि उसके अलग अलग हिस्सों के मैंने इमेजेस निकाले. मुझे अराउंड 55,000 to 60,000 फ्रेम्स मिले. ओवरऑल कैप्चरिंग प्रोसेस को 4-4.5 hours लगे. आफ्टर द कैप्चरिंग वॉज डन आई हैड पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मून. इट वॉज लाइक अ जिग्सॉ पजल. सो आई हैड टू स्टिच द फोटोज टुगेदर मेक वन बिग फोटो. मून हैज इट्स ओन कलर्स. सो मून के ऊपर के अलग अलग मिनरल्स अलग अलग कलर्स एमिट करते हैं. आफ्टर द एडिटिंग वॉज फाइनली डन आई हैडन्ट स्लेप्ट फॉर 2 days एट दैट पॉइंट. सो आई जस्ट पोस्टेड द फोटो एंड स्लेप्ट फॉर एन एंटायर डे. तो फिर उठने के बाद जब मैंने सब देखा कि सोशल मीडिया पे ब्लो अप हुआ है और वो सब मेरे मून के इमेजेस से रिलेटेड थे और सब लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि इंडिया टाइम्स पे आर्टिकल आया है और फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स रीशेयर कर रहे हैं. एस्ट्रोफोटोग्राफी की वजह से मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो गई. एंड व्हेनेवर आई लुक अप एट द स्काई नाउ आई फील लाइक देयर इज अ रियली ब्राइट फ्यूचर अहेड.